बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे। उस्ताद गुलाम रसूल गुजारिश करी ना, अज का मौजू ये है जी, मैं बकरियाँ के पेट के दर्द का इलाज दसेंगे और कि वजूहत के कोल पेट दर्द पाँगा उस बारे भी थोड़ा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना और उसकी निशानी केड़ी है, भाई इंसान को पता लगे भाई बकरी के पेट दर्द है। इस हवाले नाल ही मैं थोड़ा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना और वीडियो शुरू करने तो पहले जो नवे दोस्त हैं वो चैनल नो सबसक्राइब करे सन और दोस्तों के नाल शेयर भी किया करो। और मैं थोनू आज इस पेट के दर्द के बारे मैं थोनू मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना जनाब। मैं गुजारिश करा जनाब, सब तो पहली ये जानवर की निशानी है, बस जानवर अगले और पिछले पाँव के उत्ते खड़ा हो के लंबा हो के कमर वाली जगह तले सट वे सी और बार बार ही मैं वो करे सी, ज़्यादा बासी और बार बार उठ सी और लेट वे सी। यकीनन ये जेले तुसा अलामात देख सो तो तुहाकू खुद को पता लग सी भाई जानवर का कोई यकीनन कोई दर्द है। और उस टाइम उसका इलाज यकीनन ये है भाई तुसा उसको जनाब सरसों का तेल अगर फुल से तुहाड़ी बकरी है या कुर्बानी का बकरा है उसको तुसा जनाब देवना 100 ग्राम सरसों का तेल। उस दे विच बेहतर है भाई दही या लस्सी मिक्स की वजे वह भी 100 ग्राम काफ़ी है। अगर वो दही या लस्सी मिल वे तो अगर न मिले तो मजबूरी है दूध मिलाया वन सकता है ये उसको देवने। और इसके अलावा थानू गोलियां दसाइना यानी हायोसिन या बस्कोपान ये इन कोई गोली भी मिल वे एक गोली। और दूजे नंबर पर निम्स या सिपासरेट ये गोलियां कोई एक ला वे ये दो गोलियां मतलब है दो गोलियां गिरनियाँ ये चार गोलियां कुट के फुल सैज बकरी को ये भी पानी दे मिला के या उसे सरसों का तेल या दही दे मिक्स करके ये तो देवनी है। इंशाअल्लाह ताला तुहाड़ी बकरी के पेट का दर्द 15 मिनट के 15 से 20 मिंट के इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो गए सी। और मैं गुजारिश करा भाई ये केड़ी वजह दे कोल पेट दर्द पाँदा है 99% भी वो ये वजह है भाई बकरियां जी अस खुराक पैदा है उस खुराक दे यानी रेता मतलब ये मिट्टी जिसको असा रेता आ जाए ये कहीं ना कहीं तरीके नाल अंदर चला वेना या कोई सब्ज़ चारा मतलब समेल कर वेंदे यानी पुराना कटा होया और बिच हबस जहा कर वेंदे और उस दे समेल हो वेंदी उस नाल पेट दर्द पाँदा है। इस दे इलावा चाहे खुश्क चारा भी है तो वह जनाब कहीं वजह दे कोलूं समेल कर गए तो यकीनन वह भी अगर जानवर भुख ज़्यादा है और खा गिद है तो उस दे नाल भी मसायल बन दे। और इस दे इलावा मतलब कोई चीज़ ऐसी उन्हें खा गिदी है मतलब जेड़ी ज़्यादा दाना गंदम वगैरह या छोले मकई वगैरह रोटी के टुकड़े कोई चीज़ ही एक ना हिसाब तू ज़्यादा खा के दिए तो 99% तो हजम हो वी है। लेकिन कहें जी कहें वजह दे कोलू और ख़ास कर ज़्यादा वजूहत एक भी है भाई जानवर के अंदर यानी रेता वेंदे उस वजह के उत्ते जानवर नू पेट दर्द बनते और रेता किसी न किसी जगह पर वन के लिपट वेंदे चंबड़ वेंदे और उस दे बाद जनाब वो पेट दर्द पाँदा है। तो प्यारे दोस्तों तुसा ये और इस अलावा ये मैं गुजारिश कर रहा भाई तुसा जानवरों को यानी पेट के कीड़ा की डिवरमिंग उसको बार वक्त करना है उस वजूहत के कोलू भी यकीनन अपना मसाइल पेट के काफ़ी बनने। और इस दे इलावा सरसों का तेल है जरा ये तुसा कोशिश रखनी है भाई जानवर नू कम अज़ कम 2 हफ्तों के अंदर बार हर जानवर को हेक लेंगे पिलावना है और ये तो साढ़े डेवन नाल यानी काफ़ी फायदे हैं। एक फायदा नहीं अगे मैं काफ़ी दोस्तों के इस चीज़ से शायद रसा चुका थानू तो लिहाजा सरसों का तेल काफ़ी इस्तेमाल करना चाहिए जानवरों के इस वास्ते भाई जानवरों दर्जा यानी पेट दियाँ काफ़ी ख़त्म थीं और जानवर के मैदे के अंदर के मसाइल हल हो गए हैं। ठीक है जनाब प्यारे दोस्तों आज की इतनी वीडियो जिंदगी वफा की थी तो ज़रूर अगली वीडियो से हाजिर खिदमत थी सूँ उतने तक इजाज़त गिनसूँ। अल्लाह हाफिज़।